सबको जय यीशु की। भाइयों बहनों, फिर एक बार हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं कि हम सभी फिर एक बार प्रभु के वचनों के सहारे हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि पाप हमें ईश्वर से कितना दूर ले चलता है और पाप के क्या क्या नतीजे हैं। इस बात पर हम लोग आज के दिन में विचार करेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से आगे प्रभु का वचन कहता है, पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ, यदि पास जाओगे तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है, उसके घाव का इलाज नहीं होता। यहां पर प्रभु का वचन बताता है, पुत्र बेटा या बेटी, अगर तुमने पाप किया है ऐसा मत करो, पुराने पापों के लिए क्षमा करो। प्रभु बहुत ही प्यार से हम सबों को बताता है, समझाता है, सिखाता है कि हम सभी पाप से दूर जाएं और प्रभु के पास जाएं। जितना हम पाप से दूर जाएंगे, पापमय आदतों से दूर जाएंगे, पापमय संगतियों से दूर जाएंगे, उतना हम प्रभु के नज़दीक जाएंगे। अगर हम पाप में ही डूबते जाएंगे तो हम प्रभु से दूर जाएंगे। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है कि हम प्रभु से दूर जाएं। प्रभु चाहता है हम पाप से दूर जाएं और प्रभु के नज़दीक जाएं, प्रभु के पास जाएं। इसलिए आज के दिन में हम इस बात पर विचार करें कि मैं प्रभु से कितना दूर गया हूँ, मेरा जीवन कितना बिगड़ चुका है, पाप के वजह से कितना नुकसान मुझे हो चुका है। इस बात पर हम आज के दिन में विचार करें। यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। सांप का उदाहरण इसलिए दिया गया है, जैसा सांप के अंदर जहर होता है, वो छोटा सा जहर की तहली, जैसा कि एक चावल के दाने के बांती जहर की तहली होती है, उस छोटे से जहर के तहली में से जब सांप काटता है, किसी को डस देता है, उतना सा जहर इंसान को मारने के लिए पर्याप्त है, यानी कि इतना एक खतरनाक है। इसलिए सांप का उदाहरण को लेते हुए प्रभु हमें बताता है, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ, यदि पास जाओगे तो वो तुमको काटेगा और वो काटेगा तो तुम्हारा नुकसान होगा। इसलिए इस उदाहरण के साथ प्रभु बताता है, उसी प्रकार से हमें पाप से दूर जाने की जरूरत है, क्योंकि पाप हमारे आत्मा पर वार करता है, आत्मा का नुकसान करता है, उसके घाव का इलाज नहीं होगा। लेकिन आज के दिन हम लोग देखते हैं टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, हम देखते हैं लोग सांपों को उठा लेते हैं, सांपों को उठा लेते, ना केवल उठा लेते हैं अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, सांप को नाक में डाल के मुंह से निकालता है, कोई सांप को मुंह में डाल के नाक से निकालता है। इसके कहने का मतलब क्या है, लोगों को सांपों से डर नहीं है, यानी कि पापमय आदतों से, पापमय विचारों से, पापमय संगति से लोग डरते नहीं है। लोग बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, बहुत ही सहज महसूस कर रहे हैं। लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है कि हम पापमय वातावरण में, पापमय संगतियों में, पापमय आदतों में फंसे हुए हैं। कोई टेंशन नहीं, लोगों को कोई चिंता नहीं है कि हम प्रभु से दूर जा रहे हैं। लोग निरंतर ऐसे परिवेश में जी रहे हैं। इसलिए प्रभु हमें वचन के द्वारा बताता है, सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ, यदि पास जाओगे तो वह तुमको काटेगा और ऐसा तुम्हारा नुकसान होगा, कोई इलाज नहीं कर पाएगा। इसलिए पाप से दूर रहने के लिए प्रभु का वचन हमें बताता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 में प्रभु का वचन बताता है, वहां एक अर्धांगी रोगी पड़ा हुआ था, उस अर्धांगी रोगी को 4 लोग उठा के प्रभु के पास लेके आते हैं। जब प्रभु के पास लेके आते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है प्रभु के सामने, उसको रखना चाहते थे लेकिन भीड़ के कारण नहीं रख पाए, तब भी वो 4 लोग हिम्मत नहीं हारते हैं। उस अर्धांगी रोगी को खाट सहित उठाकर, जब भीड़ थी उन्होंने क्या किया, छत के ऊपर लेके गए, खाट छत खोल दी, छत खोल के उस अर्धांगी रोगी को जहाँ ईसा खड़े थे वहाँ पर उतार दिया। जब उनके सामने जहां ईसा खड़े थे वहां पर उतार दिया, तब ईसा ने उसको देखा। यहाँ पर लिखा है, भीड़ के कारण अर्धांगी रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय ना देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांगी रोगी को लोगों के बीच में ईसा के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर ईसा ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं।
जब उस व्यक्ति को ईसा के सामने उतार दिया, वो उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, चिल्ला नहीं सकता था, रो नहीं सकता था, करवट नहीं बदल सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। इस हद तक इनवैलिड हो चुका था, इस हद तक वो व्यक्ति बेकार हो गया था। ऐसे व्यक्ति को जब चार लोगों ने उठा के यीशु के सामने रख दिया, यीशु उसको ग्लूकोज नहीं चढ़ाते हैं, इंजेक्शन नहीं देते हैं, दवाई नहीं देते हैं, यीशु उसको ये नहीं कहते इसकी इलाज कराओ, इसको पानी पिलाओ, यीशु नहीं कहते हैं। यीशु उसको ध्यान पूर्वक देखता है। ध्यान पूर्वक देखने से प्रभु को समझ में आया इस व्यक्ति की हालत आज इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है, इसका मतलब, इसका कारण क्या है, प्रभु को समझ में आया। प्रभु ने उसका मूल कारण को देखा और उस व्यक्ति का इतनी बिगड़ी हालत का मूल कारण था पाप। इसलिए प्रभु यीशु उस व्यक्ति से कहते हैं, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। जैसे कि मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था, पाप हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ काट देता है, और जब रिश्ता कट जाता है इंसान मुरझने लगता है, सूखने लगता है। जिस प्रकार से कटी हुई डाली मुरझ जाएगी, सूख जाएगी, आग में डाल के लोग जला देंगे और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसी प्रकार से जब पाप के वजह से रिश्ता कट गया, प्रभु क्या बोलता है, भाई, यानी कि सबसे पहले प्रभु उस कटे हुए रिश्ते को जोड़ता है और भाई का दर्जा देता है। हालांकि वो प्रभु का भाई नहीं था, प्रभु टूटा हुआ रिश्ता जोड़ता है। जिस प्रकार से तार जोड़ने से उसमें से बिजली का संचार होता, उसी प्रकार से प्रभु रिश्ता जोड़ता ताकि जीवन का संचार हो जाए। इसलिए प्रभु कहता है, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। और जैसे ही प्रभु ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, आगे अगर हम पढ़ेंगे वहां पर लिखा है वह व्यक्ति चार प्रकार का काम करता है। जो अब तक इनवैलिड था, अब तक कुछ नहीं कर पा रहा था, अब तक बोल भी नहीं पा रहा था, अब तक सुन भी नहीं पा रहा था, रो भी नहीं पा रहा था, इशारा करते हुए दूसरों की मदद नहीं मांग रहा था, ऐसा व्यक्ति जो लाश के भांति था, अब वही व्यक्ति से प्रभु ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। उसी वक्त उसके अंदर वो जीवन आता है। जैसे प्रभु ने रिश्ता जोड़ा भाई कहते हुए, प्रभु का जीवन उस व्यक्ति के अंदर आता है, पाप का बंधन कट जाता है। इसलिए वो व्यक्ति सबसे पहले उठ खड़ा हुआ। अब तक चार लोग उसको खड़ा करके चला के नहीं ला पा रहे थे, चार पाई सहित लेकर आए, अब वो स्वयं अकेला उठ जाता है। ना केवल उठ खड़ा हो जाता है, उसने चार पाई अकेले ने उठाई, जो चार पाई चार लोगों ने उठाई थी, अब वो व्यक्ति अकेला उठाता है, यानी कि वो काम दाम करने लायक बनता है। अब तक काम दाम करने लायक नहीं था, कुछ नहीं कर पा रहा था, चार पाई अकेला उठाता है। और तीसरा काम वो ये करता है, उसने ईश्वर की स्तुति की। पापी मनुष्य ईश्वर की स्तुति नहीं करता है। पापी मनुष्य जब पाप में रहता है, ना मिस्सा बलिदान में जाना उसको अच्छा लगता है, ना बाइबल पढ़ना उसको अच्छा लगता है, ना रोजरी करना उसको अच्छा लगता है, ना प्रार्थना में जाना उसको अच्छा लगता है। प्रार्थना की बातों से वह चिढ़ जाता है, क्योंकि उसको उस प्रकार की भूख नहीं लगती है, वो सोचता है कि मैं ठीक ठाक हूं। लेकिन जब पाप का बंधन खट जाएगा, पाप के बंधन टूट जाएगा, जैसे इस व्यक्ति के जीवन में देखते हैं, जैसे प्रभु ने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, वह व्यक्ति ईश्वर की स्तुति करता है, ईश्वर को धन्यवाद देता है। और चौथा काम उसने क्या किया, वह व्यक्ति अपना घर चला गया। अपना घर चला गया, इसका मतलब यह है उड़ाव पुत्र जब वो होश में आया, वो अपना घर चला गया, यानी कि उसने पश्चाताप किया। जब प्रभु ने उसको आशीष दी, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, उसके अंदर इस प्रकार से वहीं के वहीं इंस्टेंटली इस प्रकार से परिवर्तन हुआ। वो व्यक्ति अब तक बेकार हो चुका था, अब हर प्रकार का काम दाम करने लायक हो गया, ईश्वर की स्तुति उसने की, वो अपना घर चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार से हम देखते हैं पाप इंसान को इस हद तक बेकार कर देता है, इस हद तक इनवैलिड कर देता है। जब पाप का बंधन कट जाएगा, इंसान फिर एक बार ठीक ठाक होने लगता है। और एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, यूहन्न का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 5, यहां पर लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि यह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दें, मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया,
प्रभु का वचन बताता है वहां एक मनुष्य था जो 38 सालों से पड़ा हुआ था। 38 सालों से कहां पड़ा हुआ था? बेतसाइडा नामक एक जलकुंड है, बेतसाइडा नामक जलकुंड के पास पड़ा हुआ था। क्या करने के लिए पड़ा हुआ था? उस जमाने में वो एक प्रथा थी, उस जलकुंड का जल ईश्वर का आत्मा आकर लहराएगा, और जब ईश्वर का आत्मा आकर उस जलकुंड का जल को लहराएगा, हिलाएगा, तब उसमें सबसे पहले जो बीमार व्यक्ति उसमें उतरेगा वो ठीक हो जाएगा। ये प्रथा थी और ऐसा होता था। इसी उद्देश्य से, इसी ताक से मैं ठीक हो जाऊं, वह व्यक्ति वहां पर आके इंतजार कर रहा था। 38 साल बीत गए तब भी वह वहां पर उस जल को टच नहीं कर पाया, उसमें उतर नहीं पाया, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी। उससे पहले और कोई जाके उतर जाता था, वो लोग ठीक होकर चले जाते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचे, प्रभु ने उसको देखकर समझ लिया कि यह व्यक्ति बहुत लंबे समय से यहीं पर बैठा हुआ है, इसकी हालत इतनी खराब है, यह ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु ने पूछा, अच्छा हो जाना चाहते हो? उसके बाद वो व्यक्ति उत्तर देता है, मैं अच्छा होने के लिए तो आया हूं, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं पहुंचने से पहले और कोई पहुंच जाता है, मेरा नंबर नहीं आया है, मेरा नंबर के इंतजार में मैं 38 साल यहां पर बिताए हैं। प्रभु ने उसको अपने वचन के द्वारा ठीक किया। प्रभु ने कहा, उठो, खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ, चलो, और वैसा ही हुआ, वो ठीक हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं पाप की वजह से उस इंसान ने आधी उम्र बेकार में बिताई, 38 साल यानी कि जिंदगी का आधा हिस्सा, जिंदगी का आधा हिस्सा उसने पाप करते हुए बेकार से बर्बाद कर दी, जिंदगी जिया नहीं बर्बाद कर दी। और जब प्रभु उसके पास खुशियां लेकर आए, प्यार लेकर आए, क्षमा लेकर आए, जीवन लेकर आए, और प्रभु ने कहा चलो अपने घर चले जाओ। और उसी अध्याय में यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 प्रसंग 14 में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। वह व्यक्ति घर चला जाने के बाद तुरंत वो तैयार होके यरूशलेम के मंदिर आता है। यरूशलेम के मंदिर जब आता है, यीशु ने उसको देखकर पहचान लिया, वही व्यक्ति जो 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था, जिसको मैंने ठीक किया है। इसलिए उस व्यक्ति को अब मंदिर में नजदीक बुला के प्रभु उसको बहुत प्यार से प्रभु उसको समझाता है। प्रभु क्या समझाता है? प्रभु कहता है, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर से पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। यानी कि अब उसके बीमारी का कारण स्पष्ट हो गया है। 38 साल बीमार था, 38 साल बेकार से अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए वहां पर बिता रहा था। उसका कारण क्या था? पाप था। और प्रभु बता रहा है, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर से पाप नहीं करो, अगर फिर से पाप करोगे तुम्हारे ऊपर भारी संकट आ पड़ेगा, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। प्रभु चेतावनी देता है कि पाप इस प्रकार से तुम्हारे पर संकट लेकर आते हैं, पाप तुम्हारे ऊपर बीमारियां लेकर आते हैं, पाप तुम्हारे ऊपर मुसीबतों को लेकर आते हैं, पाप तुम्हारे ऊपर तनाव को लेकर आते हैं, पाप तुम्हारे ऊपर चिंताओं को लेकर आते हैं, पाप इस प्रकार से धीरे धीरे तुमको जकड़ लेते हैं, बंधनों में कैद कर देते हैं, तुम्हारा जीवन कुंठित कर देते हैं। इसलिए प्रभु बताता है, दोबारा पाप ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पर ऐसे संकट आ पड़े जिसका सामना तुम ना कर पाओ। इस प्रकार से उस व्यक्ति के माध्यम से प्रभु हम में से हर व्यक्ति को चेतावनी देता है, हर व्यक्ति को बताता है, अगर हमारी दशा खराब है तो इसका एक कारण हो सकता है पाप। इसलिए प्रभु बताता है, पाप से दूर रहो, पाप से बचे रहो, पवित्रता की साधना करते रहो, जिससे कि हमारे जीवन में प्रभु की आशीष हर दिन आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, हर किसी के जीवन में कोई संकट दुख आ जाता है, या कोई दृष्टिहीन पैदा हो जाता है, कोई अपंग पैदा हो जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि पाप किया। बाइबल में और एक जगह पर उदाहरण है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 प्रसंग 1 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर स्पष्ट किया गया है, रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके शिष्य ने उससे पूछा, गुरुवर किसने पाप किया जिससे यह व्यक्ति अंधा हुआ है? और जब ये सवाल जब प्रभु के सामने रखा गया, प्रभु बताता है ये पाप के वजह से अंधा नहीं हुआ, पाप के वजह से संकट नहीं आया है, बल्कि ये दृष्टिहीन इसलिए हुआ ताकि इसको ठीक करने से ईश्वर की महिमा के लिए, कहीं बीमारियां हो सकती ईश्वर की महिमा के लिए, लेकिन अधिकतम बीमारियां, अधिकतम संकट, अधिकतम परेशानियां, अधिकतम दुख पाप के नतीजे के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। भाइयों बहनों, हम इस बात को समझ लें,
पाप हमें इस प्रकार से धीरे धीरे बर्बाद कर देता है, धीरे धीरे हमें खत्म कर देता है। इसलिए प्रभु चाहता है दोबारा पाप ना करो, दोबारा पाप करोगे संकट आ पड़ेंगे। स्वयं प्रभु यीशु के शब्द हैं, हमारे जीवन में दुख संकट पाप के नतीजे हैं, पाप के नतीजे के रूप में दुख संकट आते हैं। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है। और दुख संकट किस हद तक हमारे जीवन में आ सकते हैं, हम इस बात को पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से आगे। अगर हम वहां पर पढ़ेंगे दुख संकट किस हद तक हमारे जीवन में आ सकते हैं पाप करने पर, यहाँ पर लिखा है, ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। इस प्रकार से जब छोटा बेटा अपने पिता के पास जाके बोलता है संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए, और पिता अपने प्यार के वजह से उस बेटे को टाल नहीं पाता है, अपनी संपत्ति बांट देता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो व्यक्ति क्या बोलता है, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। संपत्ति का मेरा भाग कहाँ से आया, कहाँ से लेकर आया? हाँ, ये ठीक है कि उसके पिता का है, पिता के पास था, वो पिता के पास भी कहाँ से आया? मैं और मेरा, ये अहम की बात है, अहंकार की बात है, घमंड की बात है। और जहाँ अहंकार घमंड आ जाता है वो पाप का उदय होता है और वहां से पाप का विकास होता है। और जब उसने कहा मेरा भाग मुझे दे दीजिए, और पिता क्या करता है, उनमें अपनी संपत्ति पिता ने बांट दी। यानी कि पाप इस प्रकार से हमारे जीवन में प्रवेश करता है, सबसे पहले वो हमें तोड़ता है, विभाजन करता है, अलग कर देता है। अब यहाँ पर देखिए, बाप और बेटे एक घर में बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे, सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जैसे ही छोटे बेटे के जीवन में पाप का प्रवेश हुआ, घमंड आ गया, अहंकार आ गया, उसने अपने उस अहंकार को, घमंड को अपने जीवन में पनपने दिया और पिता से कहता है, पिताजी जो भाग मेरा है मुझे दे दो। मैं और मेरा इस बात से घमंड को, अहंकार को उजगार करते हुए पाप को पनपने देता है। अब क्या होता है, पिताजी उनमें अपनी संपत्ति बांटता है। बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, बाप और बेटा अलग हुआ, भाई और भाई अलग हुआ, रिश्ते टूट गए। पाप इस प्रकार से हमें एक एक इंसान से अलग अलग करता है। जैसे ही हमारा रिश्ता एक दूसरे से कट जाता है, हमारा रिश्ता ईश्वर से कट जाता है। इसलिए उस ईश्वर से रिश्ता बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाए रखने की ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाए रखेंगे, ईश्वर के साथ में जुड़े रहेंगे। एक दूसरे के साथ जुड़े बगैर ईश्वर के साथ हम नहीं जुड़ सकते हैं। पाप का नतीजा देखिए, विभाजन हुआ, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए, और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। बंटवारा हुआ, थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया। अब पाप आगे क्या करता है, इंसान को धीरे धीरे दूर 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 ले चलता है। बेटा बाप से दूर 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 चला गया, भाई से दूर चला गया, अपने घर से दूर चला गया। इसका मतलब सुख समृद्धि से दूर चला गया, विकास से दूर चला गया। अब उसके जीवन में बर्बादी आने लगी। ईश्वर से दूर इंसान जब जाता है, ईश्वर की आशीष का अकाल पड़ जाता है। आगे देखिए, थोड़े दिनों बाद वह छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया, और वहाँ उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जो कमाई मेहनत की नहीं है, फ्री में मिली हुई है, उपहार में या भेंट में मिली हुई है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसने भोग विलास में, दुनियादारी में, दुनिया के मोहमाया में, दुनिया की गलत बातों में उन्हें बर्बाद कर दी, क्योंकि उसकी कीमत उसको पता नहीं थी। कितना मुश्किल से उसने, पिता ने या उसके दादा ने या परदादा ने, जिसने भी कमा के रखी थी, पूरे खानदान के लोगों ने मेहनत करते हुए कमाया हुआ पुण्य इस इंसान ने पाप के वजह से सब बर्बाद कर दिया। अब आगे देखिए, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था, उस देश में भारी अकाल पड़ गया। अब जो भी संपत्ति लेकर गया था, वो संपत्ति सब कुछ खर्च हो गया, क्योंकि भोग विलास में उड़ा दी, बहुत जल्दी खर्च हो गया, बहुत सारे यार दोस्त मिल गए, सब खत्म हो गया। अब जब सब कुछ खर्च कर चुका था, उस देश में भारी अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया, उस वक्त उसके पास कुछ नहीं था। ये अकाल खाने पीने का नहीं है, ये अकाल ईश्वर के आशीष का अकाल,
जब ईश्वर के आशीष का अकाल इंसान के ऊपर पड़ जाता है, इंसान संभाल नहीं पाएगा। और आशीष का अकाल तब पड़ जाएगा जब इंसान पाप में जीता है, पाप में रहता है, पाप में आदतों में, पाप में संगतियों में रहता है। इंसान के जीवन में ईश्वर का आशीष का अकाल पड़ जाएगा, मनुष्य पनपता नहीं है बल्कि धीरे धीरे एक प्रकार से मृत्यु की ओर जाता है। यहाँ पर जैसे पाप का अकाल पड़ गया और उसकी हालत तंग हो गई, उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई, अब ईश्वर के आशीष नहीं है, ईश्वर की कृपा नहीं है, ईश्वर का अनुग्रह नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है, परेशान है, दुखी है, तो हालत उसकी दिन प्रतिदिन तंग हो गई, खराब हो गई और खराब हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया। अब वो क्या बन गया? एक नौकर बन गया। क्या था? अमीर बाप का बेटा, अमीर बाप का अमीर बेटा था, सुख समृद्धि में जीता था, सुख चैन में रहता था, कोई तनाव चिंता समस्या नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक था। पाप प्रवेश करते ही जिंदगी उसकी बर्बादी की ओर। अब अमीर बाप का अमीर बेटा किसी दूसरे का नौकर बन जाता है, शैतान के हाथों में गुलाम बन जाता है और इस हद तक वह गिर जाता है। देखिए पाप इंसान को कहां से कहां ले चलता है। पाप की वजह से ये अमीर बाप का अमीर बेटा शैतान के हाथों में गुलाम बन जाता है, इस हद तक बर्बाद हो जाता है। अब उसने क्या किया? इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया जिसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। और काम उसको मिल गया, नौकर, ये काम मिल गया। कौन सा काम मिल गया? ऐसा कोई काम जो कोई करना नहीं चाहता है, जो कोई काम नहीं करना चाहता है, वो काम उसको मिल जाता है। और उस काम में भी उसको चैन नहीं है, सुख नहीं है, आराम नहीं है, उसमें भी वो परेशान है। जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से वो अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। अब जो फलियां सुअर खाते थे सुअरों का खाना खाने लग गया, सुअरों के साथ रहने लग गया, तब भी उसको सुख चैन नहीं है। अब क्या होता है, जब ऐसी हालत हो गई, इतनी तंग हो गई, इतनी बुरी हो गई, उसकी इतनी दुर्दशा हुई, तब जाके वो सोचने लगता है। पहली बार उसने सोचा कि अब मुझे सोचना चाहिए, अब तक सोच नहीं रहा था क्या हो रहा है, अब तक वो सोच रहा था सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। अब इतनी हालत खराब हुई, वो जीरो पॉइंट में जब पहुंच गया तब जाके उसको अकल आई, वो सोचने लग गया, तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है। अब जब उसको होश आया, इसके मतलब अब तक बेहोश नहीं था, आध्यात्मिक रूप से बेहोश था, शारीरिक रूप से होश था। बहुत सारे लोगों को समझाया जाए, लोग बोलते हैं मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पर वकील बनने की ज़रूरत नहीं है, टीचर बनने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे पता है क्या करना है। लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि आध्यात्मिक रूप से वो बेहोशी में है। और जैसे कि ये उड़ाऊ पुत्र आध्यात्मिक रूप से बेहोशी में था, जब इसकी हालत इतनी खराब हुई वो होश में आया। धन्य है उड़ाऊ पुत्र जिसको होश आया। बहुत सारे लोगों को मरते दिन तक होश नहीं आता है, आध्यात्मिक जीवन में बेहोश में जीते हैं और सोचते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, होश में नहीं आते हैं। इसलिए उड़ाऊ पुत्र की ये कहानी मुझे और आपको ये बताती है कि हम होश में आए, अगर हम आध्यात्मिक रूप से बेहोश हैं, पाप में जी रहे हैं, पाप में रह रहे हैं, ये वक्त है भाइयों बहनों आपको और मुझे होश में आने का, सोचने का कि ईश्वर के सामने इस वक्त मैं कहाँ खड़ा हूँ, इस बात पर ध्यान देने का ये वक्त है। इसलिए इस वक्त हम इस बात पर ध्यान दें, मैं ईश्वर के सामने कहाँ हूँ। उड़ाऊ पुत्र ने देखा ईश्वर के सामने कहाँ है, उसको पता चला कि मैं पिता के घर से दूर हूँ, भाई से दूर हूँ, घर से दूर हूँ, इसलिए उसने सोचा कि मैं जाऊँगा, लौट के जाऊँगा। पश्चाताप करते हुए लौट के जाता है, अपने घर जाता है, पिता से मिलता है, भाई से मिलता है, इस प्रकार से फिर एक बार वही आनंद का जीवन जीने लगता है। इसलिए भाइयों बहनों हम सभी फिर एक बार सोचें और देखें मैं कहाँ हूँ, लौट के जाएं उस पिता के पास जो हमें गले लगाने के लिए तैयार है। आमीन।